Hello students, welcome back to another video from Vidya Bharati School. In this video, I am going to teach you science subject on the topic animal life. The third chapter of your science of class standard 2 is animal life. The main points are, we will study in this chapter types of animals, second usage of domestic animals, third life of wild animals, and fourth, protect animals. Now we deal with, first of all, animals. Animals are very important to us. Janwar hamare liye bahut hi mahatvapurn hai. Some are big and some are small. Kuch bade janwar hote hain aur kuch chote janwar hote hain. Most animals have four legs to walk on land. Jyadatar bade janwaron ke char pair hote hain jiski sahayata se ve jameen par chalte hain. There are many kinds of animals. बहुत प्रकार के जानवर होते हैं. First, domestic animal, यानी घरेलू जानवर. Useful animals tame at home or in farms. जो उपयोगी जानवर जिन्हें हम घर में पालते हैं या फार्म में उनको पालते हैं, उन्हें domestic animal या घरेलू जानवर कहते हैं. For example, horse, goat, sheep. Rabbit, donkey, cow, chicken, etc. They depend on us for food and shelter. ये जो घरेलू जानवर होते हैं उनको रहने के लिए और खाने के लिए हम लोगों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है. And second is pet animal. Animals, we keep some animals at pet for fun. कुछ जानवरों को हम पालतू बनाते हैं ताकि वे हमारा मनोरंजन कर सकें. वी मस्ट टेक केयर ऑफ देम. हमें उनका बहुत ध्यान रखना चाहिए. उन्हें सही समय पर खाना देना चाहिए. उनके घरों को साफ सुथरा रखना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, डॉग, कैट, रैबिट, पैरोट, गोल्डफिश, इटसी. एंड द थर्ड इज वाइल्ड एनिमल. एनिमल्स फाउंड इन जंगल्स एंड वी कैन नॉट टेम tamed like pets. वे जानवर जो जंगलों में रहते हैं और जिन्हें हम पालतू जानवरों की तरह घर में पालतू बनाकर नहीं रख सकते, ऐसे जानवरों को wild animals कहते हैं. They find their food and shelter themselves. ये अपना भोजन और ये अपना निवास स्थान खुद ही ढूंढ लेते हैं. For example, tiger, deer, panda, bear, elephant, फॉक्स, जिराफ, एटीसी. एंड द फोर्थ आर वाइल्ड वाटर एनिमल्स. वाटर एनिमल्स मीन्स पानी में रहने वाले जानवर. एनिमल्स लिव इनसाइड द वाटर ऑफ पॉन्ड, रिवर, सीज एंड वाटर बॉडीज. वे जानवर जो तालाब, नदी, समुद्र आदि के पानी में रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मेनी टाइप्स ऑफ फिशेज, फ्रॉग, डॉल्फिन, व्हेल, क्रैब, शार्क, स्टारफिश, बहुत सारे जानवर जो पानी में रहते हैं, इनका बॉडी और इनके भोजन करने के तरीके बहुत ही जमीन के जानवरों से अलग होते हैं. एंड द फिफ्थ आर बर्ड्स. बर्ड्स यानी पक्षी. बर्ड्स कैन फ्लाई इन द एयर. चिड़िया हवा में उड़ सकती है. दे हैव विंग्स टू फ्लाई एंड लाइट बॉडी वेट. इनके उड़ने के लिए एक जोड़े पंख होते हैं और इनका शरीर बहुत हल्का होता है ताकि ये आसानी से उड़ सके. फॉर एग्जाम्पल, क्रो, कौवा, पीकॉक, मोर, पिजन, कबूतर, ईगल, बाज, पैरोट, आउल, स्पैरो, और भी बहुत सारे पक्षी हैं जिन्हें आप फिगर में देखेंगे. एंड द फोर्थ सिक्स्थ आर इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स आर स्मॉल एनिमल्स. कीड़े छोटे छोटे जानवर होते हैं. सम इंसेक्ट्स कैन फ्लाई विथ देयर विंग्स. कुछ कीड़ों के पंख होते हैं छोटे छोटे जिनकी सहायता से वे उड़ते हैं. दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. कीड़े अनेक प्रकार के होते हैं. कुछ बड़े कीड़े होते हैं, कुछ बहुत छोटे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एंट, कॉकरोच, बटरफ्लाई, बी, वास्प, इटीसी. द सेकेंड पॉइंट इज यूजेज ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, यानी घरेलू जानवरों के उपयोग.
वी गेट मेनी यूजफुल थिंग्स फ्रॉम डोमेस्टिक एनिमल्स. हम लोग पालतू जानवरों से बहुत सारी उपयोगी चीजों को प्राप्त करते हैं. दे ऑल्सो डू ए लॉट ऑफ वर्क फॉर अस. ये हमारे लिए बहुत सारे काम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट मिल्क गिविंग एनिमल, दूध देने वाले जानवर. वी गेट मिल्क फ्रॉम दोज एनिमल्स आर कॉल्ड मिल्क एनिमल. जिन जानवरों से हमें दूध प्राप्त होता है उन्हें दूध देने वाले जानवर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, काउ, बफेलो, गोट, कैमल, शिप आदि. सेकेंड, एग गिविंग एनिमल्स, अंडे देने वाले जानवर. सम एनिमल्स गिव अस एग्स टू ईट. कुछ जानवर हमें खाने के लिए अंडे देते हैं. वी कीप देम इन पोल्ट्री फार्म्स. हम लोग इन्हें पोल्ट्री फार्म में रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हेन, डक, ये दोनों पोल्ट्री एनिमल हैं. एंड ऑस्ट्रिच, आप जानते होंगे ऑस्ट्रिच का अंडा सबसे बड़ा होता है और विश्व का सबसे बड़ा अंडा होने के कारण एक साथ एक अंडे से 32 ऑमलेट बनाए जा सकते हैं. एंड द थर्ड इज मीट गिविंग एनिमल, मांस देने वाले जानवर. वी गेट मीट फ्रॉम दीज एनिमल्स. हम जिन जानवरों से मांस प्राप्त करते हैं उन्हें मीट गिविंग एनिमल कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हेन, पिग, फिश, गोट, शिप, ये सब हमें मांस देते हैं. मांस का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है. एंड द फोर्थ आर फाइबर गिविंग एनिमल्स, यानी जिनसे रेशे प्राप्त होते हैं, यानी जिनसे कपड़े बनाए जाते हैं. फाइबर से हम लोग फैब्रिक यानी कपड़े बनाते हैं. वी गेट वूल फ्रॉम शीप. हमें भेड़ से ऊन प्राप्त होता है और इस ऊन से हम कई प्रकार के ऊनी कपड़े बनाते हैं. वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वर्म्स. हमें सिल्क के कीड़ों से, रेशम के कीड़ों से सिल्क प्राप्त होता है यानी रेशम प्राप्त होता है. एंड फिफ्थ इज लेदर गिविंग एनिमल, लेदर यानी चमड़ा. स्किन ऑफ सम एनिमल्स यूज्ड एज लेदर. कुछ जानवरों की स्किन यानी चमड़ी लेदर के रूप में हम प्राप्त करते हैं. वी गेट लेदर फ्रॉम डेड एनिमल्स स्किन. हम लोगों को चमड़ा मरे हुए जानवरों के शरीर से प्राप्त होता है. फॉर एग्जाम्पल, शीप, गोट, कैमल, स्नेक, क्रोकोडाइल एटीसी. स्नेक और क्रोकोडाइल का चमड़ा काफी स्ट्रॉन्ग और हार्ड होता है, इसलिए इनसे बेल्ट और सजावटी चीजें बनाई जाती हैं. लोड कैरिंग एनिमल्स, सम एनिमल्स कैरी लोड फॉर अस. कुछ जानवर हमारे लिए बोझ ढोते हैं, हमारे बोझ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, यहाँ तक कि वे गाड़ियों को भी खींचते हैं. फॉर एग्जाम्पल, डंकी, हॉर्स, बुलक, कैमल, एलिफेंट. हॉर्स घोड़ा गाड़ी खींचता है, हॉर्स कार्ट, बुलक बुलक कार्ट खींचता है, कैमल कैमल कार्ट खींचता है. एंड एलिफेंट जो है जंगलों से बड़ी बड़ी लकड़ियों को, जहां गाड़ियों का जाना संभव नहीं है, वहां से सामानों को ढोकर खींचता है. एंड द सेवेंथ इज हनी. वी गेट हनी फ्रॉम बीज. मधुमक्खियों से हमें मधु प्राप्त होता है और मधु का प्रयोग हम भोजन में करते हैं, जो बहुत ही एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज का होता है. एंड द डॉग गार्ड्स आवर होम एट नाइट. और कुत्ता रात को हमारे घरों की रखवाली करता है. सो वी कीप डॉग एज ए पेट, इसलिए हमें कुत्ते को पालना भी चाहिए. कैट कीप्स द माउस अवे एंड ईट देम. बिल्ली चूहों को घर से दूर करती है और उन्हें खाती भी है. एंड द डंग ऑफ फार्म एनिमल्स एज काउ एंड बफेलो इज यूज्ड एज मैन्योर एंड फ्यूल. और कुछ जानवरों के डंग यानी गोबर खाद बनाने के काम आते हैं और ईंधन बनाने के काम आते हैं. ईंधन में काउडंग केक बनाए जाते हैं यानी उपले बनाए जाते हैं, जिनसे हम जलावन का काम लेते हैं. और इनके गोबर से मैन्योर यानी खाद भी बनाया जाता है, जो बहुत ही उपयोगी होती है. एंड द चैप्टर इज द थर्ड टॉपिक, लाइफ ऑफ वाइल्ड एनिमल. वन्य जानवरों का जीवन यानी जंगली जानवरों का जीवन कैसा होता है, इसके बारे में अब जानेंगे. लेट अस स्टार्ट. वाइल्ड एनिमल्स आर ऑफ मेनी टाइप्स. जंगली जानवर कई प्रकार के होते हैं. फर्स्ट, प्लांट ईटिंग एनिमल्स. कुछ जंगली जानवर केवल प्लांट्स यानी पौधों का ही भाग खाते हैं.
Animals eat grass, leaves, fruit. In jungle are plant eating animals. वे जानवर जो जंगल से मिलने वाले घास पत्तियों फलों आदि को खाकर जीवित रहते हैं उन्हें प्लांट ईटिंग एनिमल्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल मंकी, डियर, एलिफेंट, जेब्रा, शीप, काउ, ये सभी जंगल में रहकर पौधे खाते हैं. एंड सेकेंड इज फ्लेश ईटिंग एनिमल. सम एनिमल्स किल्स अदर एनिमल्स एंड ईट देयर फ्लेश. कुछ जंगल के जानवर दूसरे छोटे जानवरों को मारकर उनका मांस खाते हैं. फॉर एग्जाम्पल टाइगर, लायन, क्रोकोडाइल, हॉक, स्नेक, शेर और बाघ जीवित जानवरों का शिकार करते हैं. क्रोकोडाइल भी जानवरों को पकड़कर खाता है जो पानी में रहता है. हॉक बाज भी छोटे पक्षियों को मारकर खाता है और स्नेक भी. एंड सम एनिमल्स ईट फ्लेश ऑफ डेड एनिमल्स. जंगल में कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो मरे हुए जानवरों का मांस खाते हैं. सम एनिमल्स ईट फ्लेश ऑफ डेड एनिमल्स एंड हेल्प टू कीप द एनवायरमेंट क्लीन. ये जानवर मरे हुए जानवरों को खा करके अपने आसपास के वातावरण को साफ रखने में मददगार होते हैं. फॉर एग्जाम्पल वल्चर, जैकल, हाइना, काइट, ये सभी जानवर मृत जानवरों के शरीर को खाते हैं और आसपास के वातावरण को साफ रखते हैं. एंड द फोर्थ सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल. कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो पौधों को भी और जानवरों को भी खाते हैं जो जंगल में रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल बियर, भालू, कौवा, क्रो, चीटी एंड सब कुछ खाती है. एंड मंकी, बंदर भी दोनों चीज खाता है, यानी कि वो प्लांट और एनिमल्स दोनों के प्रोडक्ट को खाता है. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज शेल्टर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, यानी कि जंगली जानवरों का आवास. सम वाइल्ड एनिमल्स फाइंड नेचुरल सेंटर टू लिव इन. कुछ जंगली जानवर अपने प्राकृतिक आवास को रहने के लिए चुन लेते हैं. फर्स्ट एनिमल्स लाइक टाइगर, बियर, फॉक्सेज लिव इन केव्स. कुछ जानवर जैसे बाघ, भालू, लोमड़ी आदि गुफाओं में रहते हैं. लायन लिव्स इन डेन. शेर खो में रहता है. एंड थर्ड डियर, एंटीलोप, एलिफेंट्स लिव अंडर द शेड ऑफ द ट्री. हिरन, बारहसिंगा, हाथी आदि पेड़ों के झुरमुट में छाया में रहते हैं, ये अपना घर नहीं बनाते हैं. एंड फोर्थ मंकीज, स्क्वायरल, एप्स, गोरिल्ला लिव्स ऑन ट्री. कुछ जानवर जैसे बंदर, गिलहरी, लंगूर, गोरिल्ला आदि पेड़ों के ऊपर रहते हैं, इनका पूरा जीवन पेड़ों पर ही बीतता है. एंड फिफ्थ इज ऑटर, हिप्पोपोटामस लिव्स इन वाटर. उदबिलाव, दरियाई घोड़ा पानी में रहते हैं. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोटेक्ट एनिमल्स, जानवरों को सुरक्षित रखना. हम कैसे जानवरों को सुरक्षित रख सकते हैं? वी शुड प्रोटेक्ट एनिमल्स एंड देयर होम्स. हमें जानवरों के घरों को और जानवरों को सुरक्षित रखना चाहिए. एनिमल्स नीड आवर लव एंड केयर. जानवरों को हमारे प्यार और देखभाल की जरूरत होती है. वी शुड नेवर हर्ट देम. हमें उन्हें कभी नहीं सताना चाहिए. वी शुड काइंड टू देम. हमें उनके प्रति दयालु रहना चाहिए. नेवर टीज द स्ट्रे एनिमल्स. और जो सड़कों पर रहने वाले जानवर हैं उन्हें कभी छेड़ना नहीं चाहिए. एंड द एनिमल लाइफ ऑफ क्लास 2 इज फिनिश्ड. That's all. Thank you.